हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज फिन सर्विस के बारे में, जो कि 9,950 रुपए के आसपास लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग दिया है। और अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 10 साल में इसने तकरीबन 1737% का रिटर्न दिया है, यानी कि इसने अपने निवेशकों का पैसा पिछले 10 साल में लगभग 18 गुना कर दिया है। तो ये सिर्फ इसके शेयर प्राइस के एप्रिसिएशन की बात है दोस्तों। इसके अलावा ये कंपनी अपने निवेशकों को हेफ्टी डिविडेंड भी बांटी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इसके फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बजाज फिन सर्विस के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ये भी चर्चा में लाएंगे कि आखिर बजाज फिन सर्विस का जो बिजनेस है वो कैसे रन करता है, और बजाज ग्रुप के जितने भी सारे बिजनेस हैं उस पर भी हम लोग एक नजर डालेंगे, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि बजाज फिन सर्विसेज आखिर बजाज ग्रुप की कंपनियों में किस प्रकार की कंपनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बजाज ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं कि जो बजाज ग्रुप की जो कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। इसके अंदर में दोस्तों दो कंपनियां आती हैं, एक बजाज ऑटो लिमिटेड और दूसरी है बजाज फिन सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पैरेंट कंपनी है बजाज होल्डिंग लिमिटेड है और सेकंड कंपनी जो है इसके नीचे चाइल्ड कंपनी वो बजाज ऑटो है, और जो इसका सेकंड चाइल्ड कंपनी है दोस्तों वो बजाज फिन सर्विसेज है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि बजाज फिन सर्विसेज के नीचे कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो ये देखिए, जो पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें कि बजाज फिन सर्विसेज का होल्डिंग 53% के आसपास देखने को मिल रहा है। दूसरी कंपनी जो बजाज फिन सर्विस के अंडर में काम करती है वो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसमें बजाज फिन सर्विसेज की 74% होल्डिंग है। और तीसरी जो कंपनी है जो बजाज फिन सर्विसेज के अंडर में काम करती है वो है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहां पर जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि बजाज फिन सर्विसेज के अंदर में तीन कंपनियां काम करती है। तो ये तीन मुख्य कंपनियां हैं जो कि बजाज फिन सर्विसेज मॉडल में शामिल हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जब बजाज फिन सर्विसेज के रिजल्ट की बात की जाती है तो इन तीनों ही सब्सिडरी कंपनी है, इनके जो सेल्स होते हैं, नेट प्रॉफिट होते हैं, उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात हम लोग करते हैं। अब दोस्तों यहां पर और भी ध्यान देने की बात है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंडर में दो और कंपनियां हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बजाज फिन सर्विसेज एक्चुअली बजाज ग्रुप की जो फाइनेंशियल सेगमेंट है उसकी ये कंपनी है। अगर बजाज फिन सर्विसेज के जो तीन सब्सिडरी कंपनी है, बजाज फाइनेंस, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, उससे अगर हम लोग बात करें कि कितना कितना रेवेन्यू आया है क्वार्टर थ्री में, तो यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर 8,686 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट आया है बजाज फाइनेंस से, और जनरल इंश्योरेंस से इनका 1575 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, लाइफ इंश्योरेंस से तकरीबन 1500 करोड़ का रेवेन्यू आया है। यानी कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इनके जो बिजनेस है वो लगभग लगभग सेम नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। और बजाज फिन सर्विसेज का अपना खुद का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 32 करोड़ है, और कुछ सेगमेंट में इनके लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर के कह सकते हैं दोस्तों कि बजाज फिन सर्विसेज में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है नेट प्रॉफिट में वो बजाज फाइनेंस का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर है बजाज ग्रुप के कंपनियों का, बजाज फिन सर्विसेज का। अब तो आप इसे समझ ही लिए। अब हम लोग चलते हैं कि बजाज फिन सर्विसेज के जो शेयर भाव है आने वाले दिनों में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो दोस्तों
इसके लिए हम लोगों को इसके फंडामेंटल को चेक करना पड़ेगा और इसके चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बजाज फिन सर्विसेज का टेक्निकल चार्ट है, और यहां इनके चार्ट को देखने से क्या पता चल रहा है कि लॉकडाउन के बाद इसमें भारी गिरावट आई थी और ये लगातार लोअर लोज बना रहा था, उसके बाद इसमें उछाल देखने को मिला, कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, फिर वापस उछाल आया, काफी दिनों तक ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसमें लंबी तेजी आई, फिर ये कंसोलिडेशन में चला, अब वापस फिर से एक तेजी आई और अब जो है इस समय ये लगातार कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अब इन स्तरों पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? यहां पर इसके चार्ट को देख करके तो यही लग रहा है दोस्तों कि इसने तो ब्रेकआउट दिया था लेकिन उसके बाद ये थका थका सा महसूस कर रहा है ये शेयर बजाज फिन सर्विसेज का। तो हम लोग इन स्तरों पर इस शेयर में क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों इसके जो रिजल्ट आए हैं उसको हम लोग चेक करते हैं कि इसके पास्ट के रिजल्ट कैसे देखने को मिले हैं। स्क्रीन पर दोस्तों बजाज फिन सर्विसेज के फिनेंशियल को हम लोग देख रहे हैं, तो इनके जो रिवेन्यू को देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए 2016 से 17 में काफी तगड़ा जंप हुआ, 17 से 18 में भी काफी तगड़ा जंप हुआ, 19 में भी काफी तगड़ा जंप हुआ और 20 में भी काफी तगड़ा जंप हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बजाज फिन सर्विसेज के जो रिवेन्यू है लगातार साल दर साल अप ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट इनका सेम पीरियड में कैसा देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट के भी ग्राफ को देखिए, ये लगातार हायर हाई बना रहा है, हर साल ये नया हाई बनाता है इनका नेट प्रॉफिट। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो FY20 के भी जो नेट प्रॉफिट रहेंगे वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसके EPS बढ़ रहे हैं या नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर इनके EPS जो है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और अगर दोस्तों हम लोग इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनके काफी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं, कभी 13 कभी 14 कभी 13, तो एवरेज हम लोग मान के चले कि इनके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10 से लेकर के 13 के बीच में देखने को मिलते हैं। और अगर बैलेंस शीट में इनके रिजर्व की बात करें कि रिजर्व बढ़ रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर देखिए इनके जो रिजर्व है साल दर साल लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि FY16 में 13,518 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था वो लगभग 3 गुना बढ़कर के अभी तकरीबन 31,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बजाज फिन सर्विसेज काफी तगड़े ढंग से अपने बिजनेस को कर रही है, जिसके चलते इसके नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, इनके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें कि ये कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए लगातार ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी बांटती है। तो हम लोग कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि बजाज फिन सर्विसेज के जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और इसी वजह से अगर इसके लाइफ टाइम चार्ट को देखें दोस्तों तो ये लगातार बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और कोरोना के इम्पैक्ट से भी ये स्टॉक जो है बाहर निकल चुका है, क्योंकि इसने हाल में ही लाइफ हाई लगाया था, तकरीबन इसने 10,500 का लेवल छुआ था, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये अभी साइडवेज चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब आगे क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर लगा रखे हैं दोस्तों, ये ग्रीन वाली जो ग्राफ है ये 50 डेज एमा का ग्राफ है, ये येल्लो वाली लाइन 100 डेज एमा और ये रेड वाली लाइन जो है 200 डेज एमा का ग्राफ है। तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि बजाज फिन सर्विसेज का जो शेयर भाव है इन तीनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर जा करके ट्रेड कर रहा है, और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक जो है साइडवेज मूवमेंट देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या इसमें तेजी आएगी? तो इसके लिए दोस्तों इसके जो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट हैं उसको देखना पड़ेगा कि इसके रिसेंटली जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दिसंबर क्वार्टर में इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो तकरीबन 16,000 करोड़ रिपोर्ट किया था, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर में ये 14,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टरली रेवेन्यू में काफी तगड़ा जंप देखने को मिला। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इनके नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिल रहा है कोरोना और के लॉकडाउन के बावजूद।
तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफी बेहतरीन आए थे। अगर कोरोना पीरियड को हम लोग ध्यान में रखें तो काफी अच्छा कहा जा सकता है। और अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सितंबर क्वार्टर में भी इनके सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोगों को बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, ये देखिए इनके जो नेट प्रॉफिट है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो दोस्तों गिरावट है ये इसके बजाज फाइनेंस के चलते आया है, क्योंकि इस कंपनी को बजाज फाइनेंस को प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी और उसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के जो नेट प्रॉफिट है उसमें साफ साफ देखने को मिला था। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि बजाज फिन सर्विसेज में बजाज फाइनेंस का तकरीबन 53% का होल्डिंग है, इस वजह से बजाज फाइनेंस के जो नेट प्रॉफिट गिरे तो बजाज फिन सर्विसेज के भी प्रॉफिट गिरते हुए हम लोग देख पाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सारी रिकवरी हो चुकी है, बिजनेस नॉर्मल मोड में आ चुके हैं, प्री कोविड लेवल पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि बजाज फिन सर्विसेज के बिजनेस आ चुके हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बजाज फिन सर्विसेज के जो क्वार्टर फोर के नतीजे रहेंगे वो काफी शानदार रहेंगे और एनुअल बेसिस पर भी इनके एनुअल रिजल्ट जो है FY 2021 के वो काफी शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि बजाज फिन सर्विसेज इन स्तरों से अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये कहां तक जा सकता है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा के रखे हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 9843 पर बजाज फिन सर्विसेज का काफी स्ट्रांग रेसिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। और ये स्टॉक जो है अभी वर्तमान में 9957 लगभग इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या बोलिए कि इसको इस सपोर्ट मान करके ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जब क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे आएंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में इन स्तरों से भी काफी तेजी हम लोग होता हुआ देख पाएंगे। और ये जो तेजी बनेगी दोस्तों इस स्टॉक को आने वाले दिनों में तकरीबन 13,437 रुपए तक ले जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपकी राय भी है बजाज फिन सर्विसेज के बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि मेरे वीडियो में कौन से पोर्शन और ऐड करने चाहिए और किन पोर्शन को मुझे हटा देना चाहिए। अगर ये सजेशन मिले तो मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेकर के आ सकता हूँ। और उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर राय देंगे, अपनी भी राय बताएंगे, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।